नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल न्यूज़पेपर पर। भारत और पाकिस्तान के बीच खेले जाएंगे 4 महामुकाबले। इस दिन आमने सामने होगी भारत और पाकिस्तान की टीम। जी हाँ दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच आखिरकार कब खेले जाएंगे 4 मुकाबले, बताएंगे आज के इस खास वीडियो में आगे। लेकिन इससे पहले अगर आप भी कर रहे हैं इन दोनों टीमों के बीच के महामुकाबले का इंतजार, तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिए। साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे हमारी अगले आने वाली कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। भारत और चीन प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मुकाबले का इंतजार हर किसी को बेसब्री से रहता है। हाल में ही T20 वर्ल्ड कप में इन दोनों की भिड़ंत हुई थी। भारतीय टीम इस मुकाबले में कुछ खास नहीं कर पाई और भारत को पाकिस्तान से 10 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। यह पहला मौका था जब पाकिस्तान की टीम ने भारत को T20 वर्ल्ड कप में हराया होगा। अब फैंस फिर से इस दो पड़ोसी देशों के क्रिकेट टीमों का आमने सामने होने का इंतजार कर रही है। टीम इंडिया UAE में जारी T20 वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल की रेस से बाहर हो गई। हालांकि पाकिस्तान की टीम को भी सेमीफाइनल में हार का मुंह देखना पड़ा और पाकिस्तान की टीम भी T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गई। हालांकि फैंस को बेसब्री से इंतजार था कि भारत और पाकिस्तान की टीमें T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में भिड़ेगी, मगर ऐसा नहीं हो पाया। अगले साल यानी 2022 में श्रीलंका की मेजबानी में एशिया कप खेला जाना है। भारत और पाकिस्तान दोनों ही उस T20 टूर्नामेंट में खेलेंगे। ऐसे में साफ है कि इन दो टीमों की भिड़ंत जरूर होगी। साल 1983 से खेले जा रहे एशिया कप का आयोजन आखिरी बार 2018 में हुआ था। तब भारतीय टीम ने फाइनल में बांग्लादेश को हराकर खिताब जीता था। उस टूर्नामेंट में भी भारत और पाकिस्तान की भिड़ंत हुई थी। भारत ने तब रोहित शर्मा की कप्तानी में 9 विकेट से शानदार जीत दर्ज की थी। अब फिर 2 साल के बाद भारत और पाकिस्तान की टीम भिड़ने वाली है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय टीम साल 2023 में पाकिस्तान भी जा सकती है। एशियन क्रिकेट काउंसिल यानी ACC की बैठक में 2023 में होने वाले वनडे एशिया कप के आयोजन की जिम्मेदारी पाकिस्तान को दी गई है। बता दें कि 2023 के वनडे वर्ल्ड कप का आयोजन भारत में होना है। ऐसे में पाकिस्तान की टीम इस दौरान भारत आएगी। BCCI के सचिव जैसा की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह फैसला किया गया। पाकिस्तान पहले ही साफ कर चुका है कि वह घरेलू मुकाबले न्यूट्रल वेन्यू पर आयोजित नहीं करेगा। PCB और BCCI दोनों ने इस फैसले के बारे में पुष्टि कर दी है। जल्द ही इसका पूरा कार्यक्रम भी जारी कर दिया जाएगा। अगले साल ही ऑस्ट्रेलिया की मेजबानी में T20 वर्ल्ड कप का आयोजन होना है। अक्टूबर नवंबर 2022 में होने वाले इस टूर्नामेंट में भी भारत और पाकिस्तान की टीमें आपस में भिड़ती हुई नजर आएंगी। तो दोस्तों, इस पर आप भी अपनी राय जरूर दें। क्या आप भी भारत और पाकिस्तान के बीच खेले जाने वाले मुकाबले का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं या नहीं? साथ ही क्रिकेट के मैदान से जुड़ी ऐसी और खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।